लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। कश्मीरी पंडितों की हत्या के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद ने मुंबई के वासी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए जम्मू कश्मीर सरकार और प्रधानमंत्री मोदी से सख्त कार्रवाई की मांग की। विश्व हिंदू परिषद के मुंबई जिला अध्यक्ष लालजी मलिक, राजेश जैन, दर्शन भारद्वाज समेत कई पदाधिकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर की संपूर्ण आज़ादी से पाकिस्तान और वहाँ के कट्टरपंथियों को खलल मच गई है, इसीलिए वे घाटी के कश्मीरी पंडितों की हत्याएं करने लगे हैं। हिंदुवादी नेताओं ने कहा कि कश्मीरी पंडितों पर यह जुल्म अब बंद होना चाहिए। उन्होंने मोदी सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से ऐसे आतंकियों और कट्टरपंथियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। पिछले 5 दिनों में जम्मू कश्मीर में 7 हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई। किसके द्वारा? आतंकवादियों द्वारा। इस्लामिक आतंकवाद आज जो है अपनी असली जो उनका रंग है वो दिखा रहा है। आज तक हमने सुना था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अगर धर्म नहीं होता तो वहाँ पे हिंदुओं का कपड़े उतार के ये चेक किया गया कि वो उसकी सुन्नत हुई है कि नहीं है। उसमें हिंदू और सिखों को अलग करके और बाकी के लोग जो थे मुसलमान जो थे उनको जाने दिया गया। हिंदू महिला को, उस महिला को सीने में गोली मारी गई जिस महिला ने एक मुस्लिम बच्ची को गोद लेके अपनी आधी से ज़्यादा जो उनकी इनकम थी, कमाई थी, पगार थी, उस बच्ची के पीछे लगा रहे थे। ये हिंदू की संस्कृति और संस्कार है जो महिला कर रही थी, लेकिन उनको दिखाना है दहशतवादियों को कि हम क्या कम से कम जो काम था, जो घटिया से घटिया काम है वो करने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन न हिंदू तब डरा था, न हिंदू अब डरा है। उल्टा हम लोग अभी केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई इनके ऊपर कीजिए, इनके फन कुचलिए। कल हम लोग कलेक्टर जी को ज्ञापन भी देंगे और प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी से मांग करेंगे कि वह आर्मी को छूट तो पूरी दी हुई है, लेकिन और इतना छूट दीजिए कि जो उतने भी हैं एक बार में ख़त्म करके और इस देश से, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का पूरा सफाया किया जाए। तो हे लवकर लवकर थांबवाव, सरकार ने याच्यावरती कठोर कारवाई करावी, अन्यथा बजरंग दल गरज पडल्यास बजरंग दल ह्याच्यामध्ये सहभाग घेऊन रस्त्यावरती तर उतरेलच, पण जर गरज पडली तर भारताच्या सीमेवरती जाऊन सुद्धा बजरंग दल ह्याच्यावरती कारवाई करायला तयार आहे। कारण की ज्या दिवसापासून तालिबाननी अफगाणिस्तानची सत्ता तालिबानांनी हातात घेतलेली आहे त्या दिवसापासून पाकिस्तान परस्त एक नवीन आतंक अतिरेकी संघटना उदयास आलेली आहे आणि ती लष्करा तोयबेचा छोटा भाऊ बोलतात त्याला, त्यांच्या माध्यमातून हे सगळे प्रकार आता यांनी चालू केलेले आहेत की ती अतिरेकी संघटना ही जी आज याच्या कुठेही म्हणजे तिचा रेकॉर्ड नाही आहे, त्यांच्या माध्यमातून हे सगळे प्रकार घडत आहेत। जर पाकिस्ताननी त्यांना आवर घातला नाही अफगाणिस्तानला आणि तालिबानला तर भारताची सेना तर उत्तर देणारच, त्याच्याबरोबर भारताचं दल म्हणजे बजरंग दल, देश की रक्षा कोण करेंगे तो हम करेंगे, वेळ पडल्यास आम्ही सीमेवरतीसुद्धा जाऊन पाकिस्तानाशी अथवा जे अतिरेकी आहेत त्यांच्याशी दोन हात करू। विश्व हिंदू परिषद की सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द आतंकवादियों को मिटाना चाहिए। गए 7 दिन में जो आतंकवाद कश्मीर में फैल रहा है, सब्जी मंडी में हिंदुओं को धर्म पूछ के मारा जा रहा है, स्कूल के 2 शिक्षक हैं, एक हिंदू है, एक सिख है, जिसमें एक महिला है, उसको भी धर्म पूछ के मार रहे हैं।
इसका विश्व हिंदू परिषद इस आतंकवाद का निषेध कर रहे हैं। अफगानिस्तान में आतंकवाद ने पैर फैलाने शुरू हुए, वैसे पाकिस्तान अभी कश्मीर में कर रहे हैं। पाकिस्तान आतंकवादियों को बजरंग दल यही इशारा दे रहा है, आपने आतंकवादी कार्रवाई नहीं रुकाई तो बजरंग दल आतंकवादियों की कब्र यहाँ भारत में ही खोदेगा और आतंकवाद मिटाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी1 इंडिया।